अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो गाइस आज मैं आप लोगों को अपने भांजा भांजी से मिलाता हूँ आज दोबारा से। तो आपको स्टार्ट करते हैं, वेलकम टू द न्यू व्लॉग। अभी मजा आएगा ना। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो गाइस आज अब्दुल ये क्या बताएंगे, ठीक है क्या बताएंगे, तुम भी आएगा, तुम भी आओगे। अच्छा मैं नीचे आ जाता हूँ, हट छोटी बच्ची हो क्या, तो मैं नीचे आ जाता हूँ। आओ आओ सर, अब आ जाओ। ये देखिए हमारी भांजी जान। तो गाइस यहाँ पर जो थे पैके खाने के अंदर जो मम्मा ने अचार गोश्त बनाया, तो बहुत मज़ेदार अचार गोश्त बना हुआ था कि मैं आपको क्या बताऊँ। और अच्छा भी लगता है, मम्मा ने बोला था बिरयानी बना लूँ, मेरे को बिरयानी नहीं अचार गोश्त बना लें, क्योंकि हमारे भांजे का भी दिल चाह रहा था नानी के हाथ का अचार गोश्त खाने का। तो इसलिए तो माशाल्लाह से ये देख सकते हैं, बच्चों की शरारतें तो कम नहीं होती है। हमारे लाला भाई बैठे हुए, ये क्या हुआ, ये कैसे मुँह बना रहे हैं भाई, हाँ ये क्या हो रहा है, ये क्या है। पहले तुम्हारा मुंह बिल्कुल ऐसा जैसे लोटा निकाल दिया किसी ने। दे 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 दे, देख तो कैसा सर। अरे अरे पहले खाना तो खा, पानी बात नहीं पीना। ये क्या था, तुम कहाँ जा रही हो सरैया। गजब बेइज्जती है। ये कौन सा डांस था, ये कौन सा डांस है, ये सब क्या देखना पड़ रहा है। अगले बार डांस कर दिखाओ जो कर रहा था, कोई पूछे तो बताना। सुरैया क्या खा रही सर, अपनी जबान दिखाना सुरैया, जबान दिखाओ, अपने बाप दिखाओ अपनी जबान। आपकी तो बिलू नहीं हो रही, उसकी सुरैया की हो रही। सुरैया आप दिखाओ, उई उई इतनी लंबी जबान। ये कौन सा डांस है, ये देख सकते हैं सुरैया को, क्या हाथ भी बिलू हो गए तुम्हारे हैं। तो कैसे देख सकते हैं मोहम्मद को यहाँ पर, मोहम्मद क्या देख रहे हो मोहम्मद, गेम खेलते रहो हर वक्त तुम, हाँ गेम खेलते रहो तुम हर वक्त। अच्छा हमको सिखा दिया है सुरैया, your hand 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 which my hands hands hands, कहाँ भाग रहे हो अब्दुल बाप, कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। इस माशाल्लाह से बच्चे जो है बहुत शरारतें कर रहे होते हैं, और बच्चों की शरारतें तो कम ही नहीं होती हैं, आपको पता है। 3 hours later, हाँ मोहम्मद, मोहम्मद कुछ और खाना पसंद करेंगे आप हैं, चाय तो हाथ में लो, चाय हाथ में लो, पकड़ो आराम से, गर्म हो रही है। साहब कुछ और, साहब साहब कुछ और लेंगे आप, हाँ साहब साहब के पैर दबाओ, अभी मजा आएगा ना। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि जो है ना लास्ट वाली वीडियो के अंदर जो है ना हमारे सामने होटल वगैरह है, तो भांजा भांजी कह रहे थे कि हमें जो है ना बाहर होटल के पास बैठ के जो है ना चाय वगैरह पीनी है, तो मैंने बोला कि चलो जी के जाओ ले जाओ इनको। तो यहाँ पर जो है चल गया, साहब कुछ और पियेंगे, साहब साहब कुछ केक रस वेकरस कुछ या खा, केक खाएंगे साहब, और अच्छा केक, और आप क्या खाएंगे साहब, छोटे साहब आप क्या खाएंगे, जल्दी बताएं साहब, आप जल्दी बता दें क्या खाएंगे, समोसा खाएंगे साहब, आप समोसा मंगवाते हैं आप क्या खाएंगे साहब, आलू के समोसे, सब चाय, वो क्या होते हैं ये, वो क्या होता है वो क्या, साहब को छोड़ लेंगे आप, साहब को छोड़ लेंगे साहब, साहब साहब को छोड़ लेंगे आप, हाँ गरीब बंदा भाई, माय गॉड साहब, साहब कुछ और खाएंगे आप, साहब आप धुंधले क्यों आ रहे हैं, आप कहाँ गए मोहम्मद, चाय गिर जाएगी, अरे मोहम्मद चाय गिर जाएगी, मोहम्मद नहीं करो, अच्छा नहीं 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 करेगा, नहीं करेगा मोहम्मद, नहीं करता साहब, आपको और कुछ खाएंगे, बोला कबाब चिकन, क्या मतलब क्या फिश खाएंगे इसके साथ आप,
बोला कबाब की भी लेके चलो। नहीं उनको केक रस है, केक रस तो ये खा तो नहीं रस की बे अम्मी है। मैं तो गोला कबाब, केक रस की अम्मी है। गोला कबाब का गोला तो ये गोला कबाब के अब्बू है। पागल ये बुड्ढे हो गए। सही कह रहा हूँ मैं, बुड्ढे हो गए गोला कबाब। आराम से खाए, आराम से भाई, आराम खाएंगे साहब। साहब कुछ और चीज खाना चाहेंगे आप? मेरा मुंह खाएंगे साहब आप? मोहम्मद ऐसे नहीं करो, मोहम्मद अजीब से लग रहे हो। पता है ना ये क्या करते हैं? मोहम्मद पूरी चाय खत्म होनी चाहिए। कि जो है पेपर्स वगैरह भी चल रहे थे, तो फिर ये लोग जो है आज दोबारा चली जाएंगे, क्योंकि जो है ना बच्चों के पेपर्स वगैरह जो है ना स्कूल के चल रहे थे, तो जो है ना हमारे भांजा भांजी को फिर जाना था दूसरे दिन, तो इसलिए। फिर उसके बाद जो है माशाल्लाह से हमारी भांजा भांजी को देख सकते हैं जाने की तैयारी कर रहे थे, अपने घर जा रहे थे, और ये देख सकते हैं बस इनको चीटोस खिला दो हर वक्त, बस चीटोस खिला दो तो इनके सबसे अच्छे दोस्त हैं। ये देख सकते हैं रेड चीटोस, बिल्कुल रेड चीटोस खा रहे होते हैं। और ये छोटी वाली भांजी और हमारा बड़ा वाला भांजा, ये रहा मोहम्मद, और ये देखिए माशाल्लाह से सुरैया हमारी घूम रही है, तैयार हो रही है बाहर जाने के लिए कि मामू आप मुझे भी लेके जाएं बाहर घुमाने के लिए। तो मैंने कहा कि हाँ हाँ क्यों नहीं भाई, क्यों नहीं लेके जाएंगे आपको भी। तो माशाल्लाह से बच्चों को तो सबको ही शौक होता है, बस बाहर ले जाएं इनको घुमाने के लिए। और जो है ना ये कहते हैं माशाल्लाह से देखिए तैयारी वगैरह पूरी चल रही। फिर थोड़ी देर बाद जो उन्होंने बोला हम चिंटू मिंटू वाले कार्टून देखेंगे, तो यहाँ पर जो जनाब अली चिंटू मिंटू वाले कार्टून देख रहे थे बिल्कुल अपनी तरीके से। मिर्च वाली चिप्स खा रहा है बेटा, पोटी भी मिर्च वाली आएगी, तुझे याद रखियो। बिल्कुल चुप, हिम्मत कैसे हो तेरी मुंह खोलने की? चीख चीख के पता चलेगा तुझे। माशाल्लाह माशाल्लाह से जो है फिर इनका ड्राइवर वगैरह लेने के लिए आ गया, और अब ये चली जाएंगे भांजा भांजी, और यहाँ पर जो बैठा हुआ इनके साथ एंजॉय कर रहा था। और अब हम लोग जाएंगे कुछ केक्स वगैरह लेने के लिए, और फिर वो भी आपको आगे जाके वीडियो के अंदर दिखाएंगे, तो आ जाइए। तो गाइज़ यहाँ पर जो है फिर हम लोग ब्लैक इस पर ब्लैक ब्राउन बेकरी आए थे, और हमें जो है कुछ लेना था, केक वगैरह लेने थे मामा के लिए, और कुछ कैंडी रक्स वगैरह लेने थे। कैंडी रक्स मैंने आपको दिखाए थे, बहुत मज़ेदार होते हैं, बहुत टेस्टी होते हैं, आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ पर जो है काफ़ी सारे आइटम्स होते हैं केक्स वगैरह के भी, तो यहाँ पर जो है फिर मामा जो है केक्स वगैरह लेने के लिए आई थी। और मैंने बोला था मामा मुझे कुल्फ़ी खाने का बहुत दिल चाह रहा है, तो मम्मा ने बोला था हाँ चलो ठीक है हम कुल्फ़ी भी खा लेंगे आज। तो जो है ब्लैक ब्राउन की कुल्फ़ी भी बहुत मज़ेदार होती है। तो यहाँ पे पहले जो है हमने पूछी थी तो इनके पास नहीं थी कुल्फ़ी, ख़त्म हो चुकी थी। तो गाइज़ यहाँ पर से जो है फिर हम लोगों ने केक्स वगैरह ले लिए थे और कैंडी रक्स वगैरह भी ले लिए थे। तो मैंने कहा मामा मुझे कुल्फ़ी खाने का बहुत ज़्यादा दिल चाह रहा है, तो चले देख लेते हैं अगर आगे शायद मिल जाए। तो मैंने बोला था आई होप सो, आगे अगर मिल जाए तो देख लेते हैं, अब कोई मसला नहीं, अगर आपका दिल चाह रहा है तो आप खा लो। तो यहाँ पर जो है फिर फाइनली हमने जो है सामान वगैरह ले लिया था, और अब हम सामान वगैरह लेने के बाद जो है फिर इनकी दूसरी वाली ब्रांच जा रहे हैं, हो सकता है कि वहाँ पर होगी, बहुत मज़ेदार होती है, आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चले आ जाइए, फिर मैंने मामा आपने ले लिया है सामान, कब हम लोग जा रहे हैं की दूसरी ब्रांच के ऊपर, तो वहां जाने के बाद आपको आपको दिखाएंगे। उसके बाद जब हम उनकी दूसरी वाली ब्रांच पर आए थे, तो दूसरी वाली ब्रांच पर जब फिर हम लोग को फाइनली आइसक्रीम मिल गई। यहाँ पर जो फिर हम लोगों ने कुल्फा वगैरह जो है ले ली थी आइसक्रीम्स, और बहुत सारे फ्लेवर्स थे इसके अंदर, और यहाँ पर थे जो है ऑरेंज फ्लेवर था, और कुल्फा फ्लेवर था, और पिस्ता फ्लेवर था, और चॉकलेट और कैरेमल, बहुत सारे फ्लेवर्स थे यहाँ पर। तो मैंने जो है कैरेमल वाला लिया था और कुल्फा फ्लेवर लिया था, कि मेरा बहुत दिल चाह रहा था जो है कुल्फा आइसक्रीम खाने का। तो यहाँ पर और यहाँ का बहुत मज़ेदार होती है, तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत टेस्टी होती है। तो यहाँ पर जो फिर उसके बाद मैंने अपने लिए कुल्फा आइसक्रीम ले ली थी, मैंने कहा मम्मा मैं जल्दी से खा लेता हूँ, क्योंकि मेरा बहुत दिल चाह रहा है इसको, ना मुझसे सबर नहीं हो रहा है, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना।
पेमेंट वगैरह दे रही थी, और यहाँ पे पेमेंट वगैरह करने के बाद जब मैंने बोला कि भाई मुझे तो जो है ना आइसक्रीम खानी है, मुझे निकाल कर दे दी, तो उन्होंने बोला अच्छा ठीक है बेटा कोई मसला नहीं, खा लो, मैं खोल के दे दी हूँ। और आप यकीन जाने बहुत मज़ेदार और बहुत टेस्टी होती है। मैंने कहा मामा देखिए हम ट्राई करके देखिए कैसी है, तो मामा ने बोला हाँ वाकई में बहुत मज़े की है भाई, तो जो है ना आप लोग ले लो और आप खा लो कोई मसला नहीं है। तो मैंने कहा चलें ठीक है मामा, फिर मैं भी खा लेता हूँ। तो जो है ना फिर उसके बाद फाइनली हमने यहाँ से जो है केक्स वगैरह भी ले लिए थे और अपनी आइसक्रीम्स वगैरह भी ले ली थी। तो और उसके बाद हम लोग जा रहे हैं घर पर, और घर पर पहुँचने के बाद फिर आगे आपसे शेयर करेंगे। और अगर जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बर मेहरबानी जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और वो बेचारे पूछ भी रहे थे कि कैसा लगा आपको, तो हमने कहा बहुत मज़ेदार है, आपकी आइसक्रीम बहुत टेस्टी है। तो उन्होंने बोला था यस रिव्यूज़ बहुत अच्छे आए हैं इसके। अगर जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और उम्मीद करता हूँ कि आज का छोटा सा व्लॉग आपको पसंद आया। पसंद आया प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग मुझे अच्छी अच्छी अप्रिसिएशन दे रहे हैं। इसके बाद जो है फिर हम लोगों ने लेट नाइट जो है पिज़्ज़ा वगैरह मंगवाए थे, और जो है ना फिर हम लोग जो है ना खुद लेने के लिए आए थे यहाँ से। और इनका पिज़्ज़ा भी बहुत मज़ेदार होता है यहाँ पर, आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो फिर अभी हम जो है पिज़्ज़ा वगैरह लेकर जा रहे हैं, और गर्मा गर्म पिज़्ज़ा बिल्कुल बनाया हुआ होता है, और हम लोग खुद लेने जाते हैं ना, हमने पहले ही जाके ऑर्डर कर देते हैं मोबाइल फ़ोन के ऊपर। तो वो जो है बोलते हैं कि आपका पिज़्ज़ा जो है रेडी होने वाला है, आप आ जाए जल्दी से लेने चले जाए। इस बार में जो हमारी आउटिंग भी हो जाती है, तो यहाँ से माशाल्लाह से देख सकते हैं रात पे कितना ज़्यादा अंधेरा हो रहा है, और जो है बिल्कुल सन्नाटा हो रहा था कि आप यकीन जाने बिल्कुल सन्नाटा हो रहा था। और रात के टाइम जो है हमारी क्रेविंग्स चलती रहती हैं इस तरह की, जो है ना पिज़्ज़ा वगैरह बर्गर वगैरह की ना, तो जो है ना। और अभी माशाल्लाह से मौसम भी बहुत अच्छा हो गया है ना बिल्कुल, और ठंडा ठंडा मौसम हो गया, तो उसमें मज़ा भी आता है बाहर घूमने के अंदर। तो यहाँ पर जो फिर फाइनली मैं जो है घर पर पहुँच चुका हूँ अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से। तो अब मैं जो है जा रहा हूँ घर के अंदर, और सब बैठ के एक साथ जो है पिज़्ज़ा वगैरह इन्जॉय करेंगे। यहाँ पर जो है मैं पिज़्ज़ा वगैरह लेकर आया हूँ, और तो यहाँ पर जो है मैं पिज़्ज़ा फाइनली वगैरह लेकर आ चुका हूँ। अब हम लोग पिज़्ज़ा वगैरह इन्जॉय करो। मम्मा बोली तुम लोगों के मज़े आते हैं कि जो है ना रात के टाइम जो है ना बस मैं कुछ भी बना लूँ, लेकिन तुम लोगों ने पिज़्ज़ा वगैरह ला कर लाजमी जो है खाना होता है आपको ना। इस जो है ना पिज़्ज़ा और वगैरह इस तरह की ऐसी चीज़ें रहती हैं कि जो है ना मतलब रात के टाइम खाएं तो मतलब मज़ा आता है, और जो है ना लेट नाइट जो है मतलब कुछ भी हो मतलब बाहर का जो है ना लाजमी। मम्मा बोलती तुम लोगों का अच्छा कि जो है ना बाहर से जा के लेकर आ जाते हो। मैंने कहा ठीक है ना मम्मा। तो जो है ना फिर अब जो है हम लोग पिज़्ज़ा वगैरह खा रहे हैं, भाई का मैं इंतज़ार कर रहा था कि भाईजान आ जाए, तो जो है सब एक साथ बैठ के खाएंगे। यहीं पर यहाँ पर जो है ये पैरी पैरी सॉस डाला है, उसके ऊपर बहुत मज़ेदार होता है। और जो है ना अगर जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। उम्मीद करता हूँ कि आज का छोटा सा व्लॉग आपको पसंद आएगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो गाइस पे नेक्स्ट वाला लगात होगी आपसे। तो ये देख सकते हैं आपका भाई बिल्कुल खाने के अंदर मसरूफ़ है, और फिर भी नेक्स्ट वाला रखा था कि मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, मेरी मदर को फिर अपनी दुआ में याद रखिएगा। ओके गाइस मुझे इजाज़त दीजिए, और जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके गाइस अस्सलाम वालेकुम। खाते खाते आपको मैंने अल्लाह हाफिज़ कह दिया है। ओके गाइस अल्लाह हाफिज़।